अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक? जरूरी ऐलान है भाई लोग, मतलब मशवरा भी है आप लोगों के लिए। अगर आप दूर दराज से कोई बकरे मंगाते हो तो फिल वक्त ना मंगाए, या मंगाए तो इतने अच्छे ज्यादा रैपिंग में मंगाए कि सामने ना भाई कि उनको ठंडी नहीं पकड़े। क्योंकि भाई ये जो ट्रेन का सफर होता है, जो पिंजरा होता है, जो डॉग बॉक्स होता है, वो गार्ड रूम के पास होता है, मैक्सिमम ज्यादा करके ओपन रहता है, और हवा जो चलती है तो डायरेक्ट जानवर के मुंह पे सीने पे मारती है। तो जानवर जब यहाँ पर उतरते हैं, जब आते हैं हमारे यहाँ पर, तो 2 दिन के बाद में वो अपने सिम्टम्स बताना चालू कर देते हैं, मतलब कफ के, लंग के प्रॉब्लम के, निमोनिया टाइप्स में, मतलब सर्दी, नाक में से पानी बहना, फिर उसके ऊपर मेहनत करना पड़ती है और बहुत ज़्यादा करते हैं। और जब तक बहुत सारे जो नॉलेज वाला आदमी है उसको पता चल जाता है कि हाँ इसको शुरुआत हो रही है सर्दी की, तो वो ट्रीटमेंट करता है। जिसको नॉलेज नहीं है वो बैठा हुआ रहता है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है बीमारी और जानवर नहीं बचता है। तो जो मंगा रहे तो फिल वर्क स्टॉप करे, ताकि बहुत, मतलब बहुत ही बेकार क्लाइमेट चल रहा है। ये गर्मी हो रही है, फिर ठंडी आ रही है, फिर गर्मी हो रही है, ठंडी आ रही है, तो इसमें जानवरों को सेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, हो जाता है जैसा भी है। लेकिन इसीलिए कहना चाहता हूँ कि आप जब भी जानवर मंगाए बाहर से तो उसको फुल रैप में मंगाए, सेफ्टी के साथ में मंगाए, या फिर वहाँ पर ही खरीद के वहाँ पर ही रखो। बोलना भाई फरवरी के ना स्टार्टिंग वीक में मेरे पास भेज देना, अभी फिल वक्त नहीं भेजना जानवर, क्योंकि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा, बॉम्बे साइड का तो महाराष्ट्र साइड का तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो रहा है ठंडी में। कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ह्यूमिडिटी लेवल लो हो रहा है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो, या फिर अगर मंगा लिए है जानवर तो उसके लिए मेलोनेक्स और बाकी सब जो दवाइयाँ है वो आप रेडी रखें। आने के साथ में जानवर को पोटेशियम के पानी से पैर मुंह धुलाए, बेस्ट एंड बेस्ट है। 4 दिन के बाद में उसको उसका टेम्परेचर चेक करें, अगर टेम्परेचर है उसको तो उसका ट्रीटमेंट करें। अगर उसके मुंह में छाले आ रहे हैं, क्योंकि भाई ये एक दिन के सफर में कुछ भी हो सकता है जो हवा में आती है। लोग बोलते भाई एक दिन में कुछ नहीं होता है, भाई एक दिन के सफर में बहुत कुछ हो सकता है जब वो हवा बैठती है ना सीने पे। आप ही पर्सनली लो, आज आप बाइक के ऊपर जा रहे हो भरे ठंडी में, दूसरे तीसरे दिन के बाद में आपको सिम्टम्स बताना चालू कर देता है कि भाई कफ हुआ है, ये हुआ है। तो आप आपके जानवरों का ख्याल रखें, ताकि बाहर से जानवर आके फिर वो सर्दी में आके आपके यहाँ पर दूसरे जानवरों को बीमारी ना फैला सके। तो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फरमा बता बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया, डाउरी फ्री इंडिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।